कक्षा दसवीं विषय गणित इकाई 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। टेने का मान सदैव एक से कम होता है। पहला, टेने का मान सदैव एक से कम होता है, यह जो उत्तर है यह असत्य है। अब इसके असत्य के पीछे का कारण देखिए, असत्य है। अब इसका कारण देखिए, इसके कारण में हम लिख रहे हैं, कारण इसका ये, क्योंकि टेने जो होता है ये दो भुजाओं का अनुपात होता है। कौन कौन सी? एक होती है लंब और दूसरी होती है आधार। अब हम जानते हैं, और किसी संपूर्ण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में किसका मान? लंब का मान किससे? आधार से। कैसा हो सकता है? बड़ा हो सकता है। लंब आधार से बड़ा हो सकता है, तब किसका मान? टेने का मान। तब टेने का मान एक से कैसा होगा? बड़ा होगा। दूसरा देखिए, कोण के किसी मान के लिए से के बराबरी से 12/5। अब इसका हल देखिए क्या होगा। हम जानते हैं कि यह कथन सत्य है। अब सत्य है, क्यों सत्य है? क्योंकि जो सेक ए होता है, सेक ए अगर अपन ध्यान से देखें तो वो होता है कर्ण बटे आधार। और हम जानते हैं, और कौन सी भुजा? कर्ण। सबसे कैसी भुजा होती है? बड़ी भुजा या लंबी भुजा। होने के कारण कर्ण कैसी? सबसे लंबी भुजा होने के कारण क्या? कर्ण किसका? आधार का। कर्ण किसका? आधार का 12/5 गुना हो सकता है। इसी में तीसरा देखिए, कासे कोणे के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कासे कोणे के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यह असत्य है। यह कैसा है? असत्य है, क्योंकि ये जो कोसेकेंट लिखा है ये कोसेकेंट है। यह किसका? कोसेक का संक्षिप्त रूप। यह किसका? कोसेक का संक्षिप्त रूप है, न कि इसका। ये जो यहां जो कास है, यहां क्या लिखा है? कास ए लिखा है, वह किसका? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। चौथा देखेंगे। चौथा हमारे पास है, काटे काट और ए का गुणनफल होता है। काटे काट और ए का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो ध्यान से देखिए, यह कैसा कथन है? असत्य है। अब क्यों असत्य है? क्योंकि काटे जो कोण ए है के काहे के लिए? कोटेंजेंट।
के लिए प्रयुक्त होता है। के लिए प्रयुक्त एक कौन सा संक्षिप्त रूप है? ए से पृथक, ए से अगर काटे को क्या कर दिया जाए, पृथक, तो काट का कोई अर्थ नहीं। तो ये काट जो है, काटे है, काट और ए का गुणनफल नहीं होता, ये कैसा कथन है? असत्य। अब पांचवा देखे, किसी भी कोण के लिए थीटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबरी से 4/3 लिखा है, यह हमारे पास कैसा कथन होगा? असत्य है। इसके लिए भी हम लिखेंगे, क्योंकि जो साइन थीटा के लिए हम अनुपात उपयोग करते हैं वो साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और हम जानते हैं, क्योंकि कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। कौन सी भुजा? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे कौन सी भुजा? बड़ी भुजा होती है। इसलिए क्या? लंब बड़ा हो कर्ण से, यह क्या नहीं है? संभव नहीं है। फिर क्या संभव है? सदैव। कौन सी भुजा? लंब। कैसी होगी? कर्ण से छोटी, यह कथन सत्य। और जब लंब छोटी होगी कर्ण से, कौन सी भुजा? लंब छोटी होगी काहे से? कर्ण से। तो लंब बटे कर्ण का अनुपात सदैव एक से कैसा होगा? छोटा होगा। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।